हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसको एस मैजिक सीरीज़ बोलेंगे। इसका आज ये फर्स्ट लेक्चर है और इस सीरीज़ में हम क्या सीखेंगे ये बताते हैं पहले, ठीक है? जो भी बच्चे मैथ कैलकुलेशन उनका वीक है, वो लोग अगर इस सीरीज़ को देखेंगे तो उनका कैलकुलेशन फास्ट होने वाला है, ठीक है? क्योंकि इसमें हम कैलकुलेटिव जो भी स्क्वायर नंबर्स कैसे निकालते हैं या कैलकुलेशन सिंपल कैसे करें, वो सब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ये उसका पहला वीडियो है। यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं एक एग्जांपल से। जैसे हमें मान लिया 12 का स्क्वायर ही निकालना है, ठीक है? तो जितना भी कैलकुलेटिव पार्ट होगा सब इसमें सीखेंगे। आज हमारा ये पहला वीडियो है, इसलिए हम यहाँ पे छोटा सा नंबर ले रहे हैं जिसको 12 है, और 12 का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है? तो इस 12 का स्क्वायर निकालने का हम यहाँ पर कई तरीके बताने वाले हैं। जैसे पहला तरीका हमारा रहेगा, ये जो 12 है ये हम देखेंगे, ये 10 के ज़्यादा नज़दीक है ना, 10 के नज़दीक है, ठीक है? तो इसका बेस मानते हुए 10। अब अगर हम 12 में से 2 माइनस कर दें, ठीक है, तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। और इतना माइनस किए तो इतना ही प्लस भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है? क्या किया हमने, अगर ये 10 के नज़दीक है तो 10 बनाने के लिए इसको माइनस 2 करेंगे, और माइनस किए हैं तो प्लस भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। 12 से 10 माइनस 2 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करा दें हम तो 14 और 10 140 हो जाएगा, ठीक है? अभी इसमें ऐड क्या करना है, ये जो दो नंबर हम माइनस किए थे उसी का स्क्वायर, चाहे प्लस 2 का या माइनस 2 का कह लो, इन दोनों का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 140, और प्लस का ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारा 144, ठीक है? तो इस तरह से हम 12 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, क्लियर है? अब इसी का 12 का स्क्वायर ही निकालने का हम लोग दूसरा तरीका सीखते हैं। यहाँ पे हम 12 को ऐसे लिख लेंगे, 12 × 12, ठीक है? ये भी बेस 10 है, इसका बेस जो है हम 10 मानेंगे। आप कहेंगे ये 10 से कितना ज़्यादा है, तो ये 2 ज़्यादा है, और ये वाला कितना ज़्यादा है, ये भी 2 ज़्यादा है, ठीक है? इस तरह से अब क्या करेंगे, अब हम इस 12 में 2 ऐड कर देंगे। 12 में ये वाला 2 ऐड कर दो या इधर से इसको ऐड करो, तो आएगा कितना, 14, समझ में आया? अब इसका बेस कितना है, 10 है, तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 140। अब ये जो दो नंबर यहाँ पे एडिशन में थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा 4, इसको हम यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 144, ठीक है? ये हमारा दूसरा तरीका है 12 का स्क्वायर निकालने का, क्लियर है? अब एक तीसरा तरीका जो है, ये पहला था हमारा फर्स्ट, ये सेकंड है, और अब हम लोग थर्ड देखते हैं। तीसरा हमारा तरीका है, उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है? कैसे, जैसे मान लिया ये जो 12 है वो 10 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 2 ज़्यादा है, ठीक है? 2 ज़्यादा है तो हम कहेंगे जो 2 ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख लो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब ये बेस 10 है इसलिए हम इसको एक डिजिट में लिखेंगे, ठीक है? अभी आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, जहाँ पर 100 के नज़दीक जाएंगे तो हम 2 डिजिट में लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अभी ये बेस 10 के नज़दीक है, इसलिए हमने क्या कहा, 10 से जितना ज़्यादा है, जैसे 12 है तो 10 से कितना ज़्यादा था, 2, तो उसका स्क्वायर हमने लिख लिया। अब हमने कहा कि जितना ज़्यादा था, 10 से जितना ज़्यादा था उतना ही और ज़्यादा कर दो, तो 12 2 ज़्यादा था, यानी 2 और जोड़ देंगे उसमें, तो कितना आ जाएगा, 14। ये डायरेक्ट हमने निकाल लिया, ठीक है? कैसे निकाला है एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 12 हमारा नंबर है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है? तो हम डायरेक्ट ये कैसे लिखेंगे, हमने कहा ये 10 से कितना ज़्यादा है, आपने कहा 2, तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, एक डिजिट में लिखेंगे, तो ये 4 हमने लिख लिया। उसके बाद जितना ज़्यादा था 12 में उतना ही और जोड़ दो, तो 2 ज़्यादा था 12 में 2 और जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हमने 12 एक नंबर है जिसको स्क्वायर निकालना हम लोग तीन तरीके से सीख चुके हैं। पहला इस तरह से लिख के करेंगे, ठीक है? दूसरा भी सिंपल है, और तीसरा उससे भी आसान है जिसको हम डायरेक्टली ओरल बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर इतना आएगा, ठीक है? यही तरीका जो है अब हम लोग बहुत आगे तक ले जाएंगे, यानी कि बड़े बड़े नंबर होंगे उस पर, उसको भी हम इसी तरीके से कैसे आसानी से कैलकुलेट करेंगे, ये इस सीरीज़ में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है? तो बने रहिए इस सीरीज़ में, और आपका ये सीरीज़ एंड होते होते ये एकदम गारंटी है कि आपका कैलकुलेशन जो मैथ का कैलकुलेशन जो वीक होगा तो वो आप फास्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो बने रहिए इस वीडियो में। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया 17 है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है? या कह लो कि 17 में मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं, हमने पहला तरीका बताया है।
अब ये देखेंगे तो 20 के और 10 के भी नज़दीक है, तो हम इसको 10 के नज़दीक अभी मानेंगे, ठीक है। तो 10 के नज़दीक अगर हम इससे 7 माइनस कर दें तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, और माइनस किए हैं तो प्लस भी करेंगे, 7 प्लस करेंगे तो ये 17, और प्लस का हमारा 7 हो जाएगा कितना, 24, ठीक है। और इस उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 में 10 का मल्टीप्लाई एकदम ईजी है, 2, 4 और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन ये जो 7 हमने ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था उसका स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49, ठीक है। इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 17 का स्क्वायर जो है वो हमारा कितना आ गया, 289 आ गया, ठीक। अब इसी को हम सेकेंड मेथड से देखते हैं, तो उसको हमने लिखने का तरीका बताया था, 17 × 17 लिख लेना है। अब इसके लिए बेस 10 मानते हुए तो कहेंगे ये 10 से 7 ज़्यादा है, इधर भी 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इस 7 में चाहे ये 7 ऐड कर दो, और या इस 17 में, सॉरी इस 17 में ये 7 ऐड कर दो, या इस 17 में ये 7 ऐड कर दो, बराबर आएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। इसका बेस कितना था, 17 के नज़दीक ले रहे हैं, सॉरी 10 के नज़दीक ले रहे हैं, तो ये क्या मानेंगे, इसको बेस 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 7 × 7 = 49, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 289, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा आंसर वही आ रहा है, क्लियर है। तो ये हम दो तरीके से सीख चुके हैं। अब हमारा तीसरा तरीका जो है वो सबसे आसान लगता है, वो क्या है, डायरेक्ट हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा 17 का स्क्वायर बताइए, ठीक है। तो कैसे कहेंगे, 10 के ये कितने, 10 से कितना ज़्यादा है, तो कहेंगे 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, उसका 9 लिख लेंगे, एक ही डिजिट लिखना है, हमें बताया था। तो 7 ज़्यादा था, 49 हुआ, 49 का 9 लिख लिया, 4 कैरी मान लिए, ठीक है। उसके बाद अब अगला स्टेप क्या था कि जितना ज़्यादा था उतना ही इसमें और ऐड कर दो, तो 10 से 7 ज़्यादा था और 7 इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और ये 4 जो हमारा कैरी आया था, तो 24 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 289, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्या है कि जो भी नंबर रहेगा उसको हम देखेंगे 10 के कितने नज़दीक है, अगर 10 के नज़दीक वाला है तो 10 से ये वाला नंबर जो है वो हमारा 7 ज़्यादा है, तो हमने क्या कहा, 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर लिख लो, तो 49 आएगा, तो 49 का केवल 9 लिखना है, ठीक है, एक ही डिजिट में लिखना है। उसके बाद 4 कैरी हो गया, अब 10 से 4 ज़्यादा था, 7 ज़्यादा था, 7 उसमें और ऐड कर दो तो 24 हो जाएगा, और ये 4 कैरी उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 289, क्लियर है। तो इस तरह से हम स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हम मानेंगे ये वाला जो 17 नंबर ये 20 के भी तो नज़दीक है, ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर इसको हम 20 के नज़दीक मान के करेंगे तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो 17 है वो हम कहेंगे ये 20 के भी नज़दीक है, 10 से क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको 20 के नज़दीक मानते हैं, इसका बेस क्या मानेंगे, 20 मानेंगे, ये कह रहे हैं कि 20 के नज़दीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 20 से कितना कम है, तो हम कहेंगे ये वाला अगर देखा जाए तो प्लस इसमें 3 कर दें तो 20 बन जाएगा, ठीक। प्लस 3 किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 20 और 14 का, यानी 0 का मल्टीप्लाई तो वैसे ही रहता है, 14 × 2 = 28 हो जाएगा, और ये जो है इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 982, ये हमारा 289 आ गया। ये कैसे आया, जब हम इसको मान रहे हैं कि ये वाला नंबर जो है वो 20 के नज़दीक है, ठीक है। तो ये पहला तरीका है। अब हम इसी को दूसरे तरीके से करते हैं, हम मानते हुए कि इसका बेस जो है वो 20 है, ठीक। बेस कितना मान रहे हैं, 20 मान रहे हैं, तो आप कहेंगे ये वाला 20 से कितना कम है, तो हम ये कहेंगे हम 3 है, माइनस लिखेंगे नीचे, ये भी -3। अब क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे प्लस होता था तो जोड़ते थे, यहाँ पे 17 में से 3 घटा दो, चाहे इधर से और चाहे इधर से, तो 17 में से 3 जाएगा, हमारा आ जाएगा 14। और जैसे हम बेस से मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पे 20 है, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14 × 2 = 28 और 0। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 982। तो यहाँ भी हम 289 निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इसी पे आते हैं, अब तीसरा मेथड जो है जिसको हमने कहा था कि डायरेक्टली हम करेंगे। अब ये मानते हुए कि ये 17 जो है 20 से 3 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर लिख लो, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, ठीक है।
और अब क्या करेंगे, जितना कम था उतना और कम कर दो, तो 17 जो है 20 से 3 कम था तो हम 3 और कम कर देंगे, यानी हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। और 14 का डबल करना है यहाँ पे, 14 का क्या करना है, डबल करना, 14 2 20 है। डबल क्यों करना है, क्योंकि इसका बेस कितना मान रहे हैं, 20 मान रहे हैं, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ेंगे, जब यहाँ 30 आएगा तो उसका हम 3 टाइम्स करेंगे। जब वहाँ पे 10 था तो 10 में हम लोग क्या करते थे, डबल नहीं करते थे, लेकिन जब यहाँ पे 20 30 आएगा तो उसी हिसाब से वो गुना होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 20 के नज़दीक मानेंगे तो जितना कम होगा उसका स्क्वायर, उसके बाद और कम कर देंगे, ठीक है, और उसका डबल करना रहेगा, डबल करना नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे अगर कोई कैरी आता है तो डबल करने के बाद हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ नंबर्स का स्क्वायर यहाँ पे देखे हैं, ऐसे ही हम आगे लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे स्क्वायर्स और नंबर्स का स्क्वायर देखेंगे, वो चाहे 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का या 4 डिजिट का नंबर हो, उसको हम ऐसे ही आसानी से कैसे स्क्वायर निकालें या कैसे मल्टीप्लाई कराएँ, तो वो हम आगे सीखते रहेंगे।